नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय आचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज के विचार। क्या तीर्थंकर का पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल नहीं, तीर्थंकर का पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण यह है कि तीर्थंकर की अवस्था में उन्होंने घाती कर्मों का क्षय किया होता है, और जिस समय वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं, निर्वाण तभी प्राप्त करते हैं जब वे शेष चार कर्मों को भी, जिनको कि हम अघाती कर्म कहते हैं, उनका भी वे क्षय कर देते हैं। इस रीति से आठों कर्मों से मुक्त हो जाने के बाद में तीर्थंकर का तो क्या, किसी का भी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। एक सवाल और पूछना चाहेंगे, परमात्मा की उपासना के कौन कौन से साधन हैं? परमात्मा की उपासना के सैकड़ों साधन हो सकते हैं। हाँ, वैसा प्रत्येक साधन उपासना पद्धति का साधन कहलाएगा, जिसके कारण से, जिसके माध्यम से आत्मा मालिक के उपपास में जाकर के आसना बैठ सके, ऐसी उनके नज़दीक ले जाने वाली पद्धतियाँ, वह ले जाने वाली पद्धतियाँ उपासना कहलाती हैं। और ऐसी पद्धतियाँ एक नहीं, अनेकों प्रत्येक परंपरा के पास में हैं। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, उपासना में सबसे ज़्यादा प्रमुखता अगर किसी चीज़ की है तो वह भक्ति की है, और भक्ति से उपासना की ओर वह बढ़ता जाता है। अतः मैं यह जरूर कहना चाहूँगा, भक्ति मूल तत्व है उपासना की, भक्ति जड़ है उपासना की, भक्ति बीज है उपासना की, यह जरूर कहना चाहूँगा। क्या आप जी की साधना श्रीमद् भगवान महावीर जैन जी के मार्गदर्शन अनुसार है? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, मैं समर्पित उनको हूँ, उनके कहे अनुसार जीना यह मेरा लक्ष्य है। परंतु मैं सत्य इतना ही कह सकता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिशों में अधिकतर मेरा अधूरापन है, वह भी मैं स्वीकारता हूँ। परंतु मेरे इष्ट वे हैं, मेरे लक्ष्य वे हैं, मैं उनको अपने जीवन का सर्वस्व मानता हूँ, ये कह सकता हूँ। परंतु उनके वचनों पर चले बिना मेरी मुक्ति नहीं है, इस तरीके से भैया मैं जरूर मानता हूँ। और मेरे लिए कृतकृत्यता, मेरी धन्यता भी वही है कि मैं परमात्मा की आज्ञा के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार चल पाऊँ। नहीं चलता हूँ, नहीं चल पा रहा हूँ, अधूरी कोशिशें कर रहा हूँ, ये बात मैं स्वीकारता हूँ। ये थे आदरणीय आचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं, यही हमारे सच्चे हितैषी हैं। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। इस काल ने, 21 ब्रह्मांड के प्रभु स्वामी ने आप जी को यहाँ पूर्ण रूप से अज्ञानी बनाकर रखा हुआ है। परमात्मा ने हमें याद दिलाया कि ये मनुष्य जीवन आप जी को केवल परमात्मा प्राप्ति और शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसको ना करके आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो अन्य प्राणी पशु पक्षी भी कर रहे हैं। आपसे अधिक ममता, आपसे अधिक लगाव, उनकी परवरिश करने में आपसे भी अधिक स्नेह से वो परवरिश करते हैं अपने बच्चों की, और यही आपके अंदर इच्छाएं हैं। तो हमारे अंदर और उन पक्षियों के अंदर, पशुओं के अंदर कौन सा अंतर रहा? कोई नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर बताया है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पुण्यात्मा, आज हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन में हमें विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। हम ये सोचकर भी कन्फर्म नहीं कर पाते कि हम पशु बन जाएंगे, हमारा ये विश्वास होता को नहीं। ठीक कहते हैं, अपनी बुद्धि काम ना करे तो किसी समझदार से सलाह ले लेनी चाहिए। तो परमेश्वर ने तत्वदर्शी संत बनकर के यहाँ लीला की और ये ज्ञान बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा ही बनेगा।
जो परमात्मा हमें संदेश देकर गए हैं, और ऐसा करोगे तो फिर इन आपदाओं से आप बच जाओगे। ये भी जानकारी परमेश्वर ने दी है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा फल होगा। इसका समाधान ये बताया कि पूर्ण संत से, पूरे गुरु से उपदेश लोगे तो ये आपके ऊपर आने वाली जो आपदाएं हैं ये टल जाएंगी, नकली गुरुओं से नहीं टलेगी। तो क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दीज बैल बना, कि शरीर छूटने के बाद सत भक्ति जो नहीं करते, और भक्ति भी कर रहे हैं नकली गुरुओं के पास बैठे, उनकी भी दुर्गति होगी। क्योंकि पूरा गुरु हो, सच्चा ज्ञान हो और शिष्य की श्रद्धा अटूट बनी रहे आजीवन, तो मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। मर्यादा में रहें, मर्यादा तोड़ देने से भी आपको लाभ बिल्कुल नहीं होगा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों का कष्ट उठाया, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पेंडा यानी वो मार्ग, वो पथ, वो रास्ता, वो सत साधना ग्रहण कर जिससे तेरी ये दुर्गति छूट जावे, वो मार्ग ग्रहण कर जिससे तेरी ये दुर्गति बचे। पशु पक्षी की योनियों में ना तू जा सके, सत भक्ति कर। और क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरवो। सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में भटकते रहे। सुखदेव ऋषि ने अपने आप बताया एक बार कि मैं गधा बन गया, 84 लाख योनियों भोग रहा था, अंधा हो गया। अंधा होने से मालिक ने मुझे त्याग दिया, लठ मारे गर्ते निकाल दिया। चलता चलता मैं जंगल की तरफ पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ चल पड़ा। आगे एक नाला था, उस नाले में गिरने लगा। मैंने छलांग लगानी चाही, मैं बीच फंस गया उसमें, मुँह आगे टिक गया, पीठ पछला हिस्सा पाछे फिट हो गया, ऐसा बन गया जैसे पाइप पुड़ी बन जाया करे। जंगल में दूर स्थान होने के कारण इक्का दुक्का व्यक्ति उस रास्ते से जावे था, किसी ने मुझे निकाला नहीं। मेरे कमर पर पैर रखे पार होने लगे, मेरी पुली बना ली। 15-20 दिन में भुगत कर भूखा पैसा वहाँ प्राण छूटे। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर जी के, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर माने गदा, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अपने आत्माओं कहते हैं अगर यदि इंसान का खुद ना यकीन होए तो पिछले इतिहास दोहरा लेने चाहिए, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि सचमुच ऐसा कहर हमारे ऊपर बहुत बार टूट चुका है। इसके लिए आप जी को एक एग्जाम्पल देते दिखाते हैं, एक सैंपल दिखाते हैं। महावीर जैन नाम के एक महापुरुष हुए हैं, और उसके जीव की कितनी दुर्गति हुई उन्हीं की पुस्तक में विद्यमान है, और वो सत्य है। अभी आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति प्रत्येक आत्मा करने की चेष्टा कर रही है, लेकिन सत भक्ति ना मिलने से, पूरा संत ना मिलने से वो भक्ति करके भी अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास। पुण्यात्माओं, इस प्रकार तुलनात्मक तरीके से हम देखेंगे, इसको आलोचना ना जाने, एक बहुत ही जो ना परोपकारी प्रयत्न समझे इस दास का। आलोचना वो होती है जो झूठी निंदा करे, किसी के बारे में बुराई करके उससे दूर करने की चेष्टा करे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, नहीं परमार्थ के लिए। जो इन महापुरुषों की जीवनी में लिखा है दास केवल पढ़कर सुना रहा है और आपके रूबरू भी कर रहा है, कोई नो सोचा भी, क्योंकि पहले हम भ्रमित बहुत कर रखे हैं। इन्होंने सदग्रंथ कुछ बताते थे, ये उनकी सच्चाई ना बताकर हमारे को गलत ज्ञान सुनाते रहे। हमने सोचा ये विद्वान पुरुष हैं, सच बोल रहे होंगे। इसलिए दास चाहता है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारता है,
तो इसलिए सदग्रंथों के भी आपके रूबरूप दास साथ साथ करा रहा है। और आधुनिक जो टेक्निक है, जो परमात्मा ने आधुनिक तकनीक हमें दी है, प्रोजेक्टर टीवी, ये इसीलिए दिए हैं दाता ने, ना पहले कोनी इनके समझ माई, ये मनुष्य सत्र की ये खोज नहीं है, ना चार युग हो गए आज तक कोई विमान बना पाए, ना कुछ और नहीं करा, ने एक रेडू में छः छः खेत्र जोड़ कर रथ बना कर घुमाया करते हो, कित काट ले जाया करते हैं। तो ये इसलिए दिया परमात्मा ने कि आप जी परमेश्वर पहचानो और पीछा छुड़वाओ, क्योंकि अब ये पीक टाइम आ गया भक्ति का, या बिचली पीढ़ी चल पड़ी और अब पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, इसलिए परमात्मा ने सुविधा अभी 10-11 वर्ष से दी है। पहले नहीं था ये टीवी चैनल वगैरह, बहुत कम एक ही होता था ये सरकारी चैनल। तो ये परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है। तो ये दास तो पढ़कर सुना रहा है, अब आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास। श्री ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, और उन ऋषभ देव जी को पूर्ण परमात्मा मिले थे आकर के, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। ये राजा थे, बड़े नेक व्यक्ति थे, परमात्मा की चाह इनके हृदय में गणी थी। तो परमेश्वर ने जाके इनको ज्ञान दिया कि जो साधना ऋषभदेव आप कर रहे हो ये मोक्ष मार्ग नहीं है। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि ऋषभदेव का आइया कवि नाम करतार, वो कवि नाम का करतार कबीर देव ऋषभदेव के गया था, और ये बताया था मैं वो कवि हूँ, वो कवि देव हूँ, कवि देव कवि साहब जिसको हम कबीर देव बोलते हैं, जो जिसके विषय में वेदों में लिखा है मैं वो भगवान हूँ। अब ऋषभ देव जी को इस बात का बड़ा विश्वास हुआ कि वेदों में ऐसा ही ये ऋषिगण बताते हैं, तो उन्होंने अपने ऋषि महर्षियों से भी बात की जो उनके गुरु थे। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कोई विधान नहीं है वेदों में। तो ऋषभ देव जी को भक्ति की प्रेरणा तो बहुत ज़बरदस्त लगी, भगवान के पाने की एक अशेष प्रेरणा होगी, क्योंकि परमात्मा ने पुण्यात्मा क्या होता है, परमात्मा ने उनके वह ज्योत जगा दी, भक्ति की प्रेरणा पैदा कर दी। जैसे जो पुण्यात्मा होती हैं उनको दो चार बातों में ही एक विशेष कसक बन जाती है और भक्ति की तरफ वो अग्रसर हो जाते हैं। जैसे एक ज्योत होती है, घी होता है कटोरी में, उसमें एक ज्योति लगा दी जाती है, और वो ज्योति किसी समय बुझ जाती है तो उसमें घी विद्यमान है, ज्योति भी विद्यमान है, तो वो तुरंत सींक लगा दी माचिस की, वह जग जाती है। जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं उनके पिछले अधूरे संस्कार रह जाते हैं, उनके अंदर भक्ति संस्कार हैं, तो तुरंत वो भक्ति पर अग्रसर हो जाते हैं, और जिनके ये ऐसी पिछली संस्कार नहीं है तो उनको नए सिरे से पहले ये दान धर्म भक्ति करवा के सत्संग सुना के उनके कर्म बना के फिर वह ज्योत जगाई जाती है, शुरुआत उनकी भी हो जाती है। तो एकदम इतनी प्रेरणा बन गई प्रभु के पाने की, परमात्मा ने बहुत ऐसे जैसे दास आपको बता रहा हूँ उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान, यही ज्ञान उनको सुनाया कि ऐसी दुर्गति होगी, भक्ति नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो एकदम फड़क के परमात्मा पाने की तरफ हुई। अब वो तो एक बार आए महाराज जी तो परमेश्वर, और वो गुरु उनको रोज मिला करते ब्राह्मण लोग, क्योंकि पैसे के लालची राजा के घर प्रतिदिन चक्कर लगाया करते, तो परमात्मा के ज्ञान को तो भुलवा दिया, लेकिन फिर भी वो प्यारी आत्मा भक्ति बिना रह नहीं सके, ऐसी तरफ जगा दी परमात्मा ने उनकी। अपने बच्चों को सबको राज त्याग दे करके वो परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने मनमुखी बनकर, जैसे उन ऋषियों से ज्ञान था वो ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग कर दिया, 1000 वर्ष तक तप किया, 1 वर्ष तक मौन धारण किया। अभी आपको उनकी डिटेल बताते हैं। तो कहने का भाव यह है कि उस समय ऋषभ देव जी के जहाँ से इन्होंने ये स्टार्ट किया भक्ति, उस समय केवल एक ओम नाम होता था, दूसरे साधना का इन ऋषियों को भी पता नहीं। तो ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग, जो इस काल ने ब्रह्मा जी को आकाशवाणी से कहा था जब ये कमल के फूल पर बैठा था, तप करो तप करो, ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया।
तो वो काल ब्रह्मा ने सुत जी ने सोचा कि ये भगवान का आदेश है, लेकिन ये वेदों में प्रमाण नहीं है। वेदों में ज्ञान जो है पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया है, वो ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिया था। ब्रह्म ने समय आने पर उसको बाहर करना पड़ा। उसमें से पांच वेद थे, चार वेद रख लिए, एक वेद नष्ट कर दिया जिसमें बहुत डिटेल थी प्रभु की, परमेश्वर की। उस नष्ट किए हुए ज्ञान को परमात्मा बताने के लिए स्वयं आते हैं। तो अब प्रसंग चल रहा है ऋषभ देव जी का। तो ऐसी प्यारी आत्मा ऋषभ देव जी से ये जैन धर्म चला। तो ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक जैन धर्म के माने जाते हैं। अब इनकी दास ये बताना चाहता है, सत भक्ति ना करने से भक्ति करते हुए भी दुखी रहे प्राणी। ये देखिएगा जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व, ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व प्रथम खंड, लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर और सम्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। ये पूरा पेज देखो इसका। अब ये प्रकाशक हैं जैन संस्कृति कोश प्रथम खंड, लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये दोनों मिलकर हैं। अब ये स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं पूज्य श्री मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य समर्थि में सादर समर्पित, ये यहाँ तक। अब इसके ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे, ऋषभ देव के पौत्र मारीचि भरत के पुत्र जो पुराण में वैदिक धर्म के प्रवर्तक माना गया है। ये जो मारीचि है इससे वैदिक धर्म चला था। अब ध्यान से देखना पुण्यात्मा, आप बहुत इंटेलिजेंट बालक हो, अब कंप्यूटर तक बना लिया आपने, तो ये तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। ऋषभ देव के पौत्र यानी पोते मारीचि जो भरत के पुत्र थे और जिसको मारीचि को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है, यही मारीचि जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर जैन यानी वर्धमान बना, महावीर जैन हुआ। यही आत्मा मारीचि वाली जो ऋषभ देव के पौत्र थे पोते। अब आगे देखते जैन धर्म का, ये देखो 176 पृष्ठ पे जैन धर्म का विकास इतिहास, तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभी राज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभी राज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया, दो पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, दो संतान हुई। और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया, यानी ऋषभ देव के 100 पुत्र दो बेटियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंप कर संसार त्याग दिया, और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए गुरु बना के। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभ देव एक वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया एक वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रियांश कुमार ने
इक्षु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की मुनि ऋषभ देव ने अंत में कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। कैवल्य चार मुक्तियां होती हैं, उसमें से कैवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीचि को दिया। यानी अपने पौत्र मारीचि को दिया, और यही मारीचि आगे चल के महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया, और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीचि को, और यही मारीचि आगे चल के 24 में तीर्थकर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। पुणात्मो, आपका सौभाग्य है कि सदग्रंथों का रहस्य आपके रूबरू हो रहा है। अभी तक न तो जैन धर्म के व्यक्ति अपनी पुस्तकों में क्या रहस्य लिखा उसको समझ पा रहे, न ही हिंदू धर्म के पुण्यात्मा अपने सदग्रंथों से परिचित, क्योंकि ये नकली गुरुओं को ज्ञान नहीं था। ये आज तक ये नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कौन है, इनकी इतिहास में लिखा, इनके सतीथि अजर अमर बताते हैं ये नाशवान है, तो ऐसे हमें भ्रमित कर रखा है। इन्होंने हमारे ऊपर कैर ढा रखा है, नकली गुरुओं ने हमारे जीवनों को नष्ट कर दिया। परमात्मा आते हैं उनके साथ ही बदव्यवहार करके उसके ज्ञान को दबा देते थे, लेकिन परमात्मा ने यह समय फिक्स कर दिया था कि कलयुग में सबको शिक्षित करूंगा, उसके बाद अपने बच्चों को अपनी पहचान बताऊंगा, ये आसानी से समझ जाएंगे। तो आज बालक से लेकर बूढ़े तक इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ रहा है। अब दिखाते हैं कि महावीर जैन की फिर के दुर्गति हुई। अब ये तो क्लियर हो गया कि मारीचि ने उपदेश लिया ऋषभदेव से, जो प्रथम तीर्थंकर था, और वही आत्मा बीच में कितना कष्ट उठाया, आगे वो के बनी महावीर जैन वाला जीव। अब देखिए इन्हीं की पुस्तक में, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री ये इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री जम्बूद्वीप हस्तनापुर, प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन जम्बूद्वीप हस्तनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है धीनेन्द्र जैन न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ यहाँ से मिस प्रिंट सा है। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं, 293। आओ जैन धर्म को जाने विशेष प्रकरण, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम हैं, वीर अतिवीर सन्मति महावीर MM वर्धमान। अब आगे चले 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरुवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीचि से पहले ये एक भील था, उससे पहले क्या था वहाँ तक इसको इनको लेखा नहीं, यहाँ तक से शुरू किया। तो पुरुरुवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरी कीड़ी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधुमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरुवा भील के शरीर से कहाँ गया? प्रियाय से, पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, अब उस पहले तब यहाँ से शुरू किया है ना, एक भील था यो, फिर भील के बाद यो एक स्वर्ग में गया, उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीचि नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीचि वही है ऋषभदेव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना, पुत्र हुआ। मारीचि के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया?
ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब देखो ऋषभ देव से उपदेश लेकर, उस महान आत्मा से उपदेश लेकर ये स्वर्ग में चला गया, क्योंकि ओम नाम का जाप पहले दिया जाता था और ओम से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक कहो चाहे स्वर्ग लोक, महास्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग कहो, ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया, फिर सूतक नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निश नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया, फिर भरत क्षेत्र में फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं, 295 पर मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक यही पुत्र, भारद्वाज भी यही ऋषि हुआ पुत्र, और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, उस महास्वर्ग में ब्रह्मलोक में। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकल कर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हाय हाय, अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आंख वृक्ष के जीवन भाव और 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भाव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भाव, ओ तेरा गजब, 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुसंग के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भाव भाव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण है, माँ के पेट में मर गया, और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। ओए होए, केवल 80 लाख बार तो देवता बनया, और गधा बनया, कुत्ता बनया, 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बनया हुआ बतेरा, ये सारे को पानी फिर जाए देवता ने, एक जीवन बतेरा कुत्ते का, शर्म में कीड़े पड़ जा, खाज लाग जा, टांग टूट जा, सर्दी में पता नहीं कहाँ पड़ा रहे, और 60 करोड़ बार गधे का जीवन। पुण्यात्माओं, ये काम टीचर का होता है, जो सदग्रंथों को स्वयं समझे, अपना अभ्यास करे, अनुभव करे, भक्ति करे, परमात्मा की अंदर से प्रेरणा होती है, फिर तत्व ज्ञान अंदर से परमात्मा देता है। अब इसका निष्कर्ष देखो कि ऋषभ देव जी ने गुरु दीक्षा ली किसी ऋषि से, उसके बाद साधना की, और ऋषभ देव जी से फिर 1000 वर्ष ऋषभ देव जी ने साधना की, उसके बाद जब वो अपनी साधना समाप्त की, तुरंत पहला शिष्य बनाया मारीचि, और वही आगे चलकर महावीर जैन हुआ। तो ऐसे ओम नाम यानी वेदों अनुसार साधना करने वाले जीव की क्या दुर्गति हुई? 80 लाख बार तो देवता बना, और यह बाकी हिस्ट्री आपने देखे ली, अनगिन कष्ट सहे, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, और तेरा गजब हो। पुणात्मा कलेजा मुँह को आता है, इतने कष्ट हमारे ऊपर हो रहे हैं, हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे, हम तत्व ज्ञान को पहचान नहीं रहे, भगवान को नहीं पहचान पा रहे। अब क्या होगा? महावीर वहाँ तक तो उस मारीचि वाले जीव की दुर्गति, महावीर वाले जीव की दुर्गति होती रही, आगे चल के यही मारीचि वाला जो शरीर जीव था आगे महावीर जैन हुआ। महावीर जैन जी के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, और ऐसे ही मुनिवर्ती में घर से निकल गया, निवस्त्र रहने लग्या, अपने आप साधना करता रहा, कुछ दिन हठ योग करके अपने विचारों को व्यक्त करने लग गया जनता में,
अब वर्तमान में जो जैन धर्म में साधना है वो महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत माने बकवाद साधनाएं, उन पर आधारित है पूरा जैन धर्म। अब उस वेदों अनुसार और गुरु परंपरा से मर्यादा से गुरु बनाकर साधना करने वाले मारीची की कितनी दुर्गति हुई, एक बार पुनर्रिवाइज कर लो, ना याद रही होगी। ये देखो, ये वही पुस्तक है, आओ जैन धर्म को जाने। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, ये सारा। अब फिर थोड़ा सा दिखाते हैं, ये मेरे मालिक। अब ये तो दुर्गति उस प्राणी की है जिसने इस काल के गुरु मर्यादा में रहते हुए साधना की है, मारीची वाले जीव की। ये देखिए थोड़ा सा दिखा दें, हाय हाय, 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी बना दिया, नरे पाप इकट्ठे करवा दिए इस काल ने, 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देवता हुआ, बस 80 लाख बार तो देवता, बाकी अभिरण में टीनरी। ये तो उस प्राणी की है जो विधिवत काल के गुरु परंपरा में रहकर साधना कर रहा था, और अब ये उसके बाद ये नरक में भी गया, मारुति वाला जो फिर प्रथम नरक में गया, और फिर ये महावीर जैन हुआ। 24 में तीरंतकर श्री महावीर भगवान हुए, महावीर भगवान होया फिर यूँ। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मचलाए, 363 पाखंड मचलाए। अपने आत्माओं, ये एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है ज्ञान, भगवान का तत्व ज्ञान है ये। अब महावीर जैन की के दुर्गति वही होगी, उसका तो वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो कोई गुरु बनाया ना। और ये पाखंड मत माने शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण ये चला दिए, जिसको वर्तमान में जैन धर्म के सभी अनुयायी उसी से आके अपनी साधनाएं कर रहे हैं। तो इनका क्या हाल होगा ये कहने की जरूरत को नहीं, ये तो समझने की आवश्यकता है। अब ऋषभ देव जी की क्या दुर्गति हुई ये आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत सुधा सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फैक्स फोन नंबर है। ये देखिएगा 281 पृष्ठ पे, यहाँ 280 पे। इससे भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भूषण रूप से थे, तो भी जड़ पुरुषों की भांति अब दूतों के से विविध वेश भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सीखने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह देववश कोंक वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देश में गया और मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले। ऋषभ देव जी ने मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था और बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से यानी कति नंगे कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात के जंकोरे हुए बांस के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी, यानी जंगल में आग लगी
और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर वृषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। उड़द जल का मर गया वृषभ देव जी, दावानल में वन में आग लगी, ये वहाँ पत्थर मुँह में लेकर नंगा घूम रहा था। बताइए कोई एक भगत के लक्षण है, आप खुद विचार करिए खुद आत्माओं। अब ये आलत्तर शिवदेव की जब हुई उस समय हुई है, यानी काल की मर्यादा वत साधना कर रहा था। क्या तीर्थंकर का पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल नहीं, तीर्थंकर का पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण यह है कि तीर्थंकर की अवस्था में उन्होंने घाती कर्मों का क्षय किया होता है, और जिस समय वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं, निर्वाण तभी प्राप्त करते हैं जब वे शेष चार कर्मों को भी, जिनको कि हम अघाती कर्म कहते हैं, उनका भी वे क्षय कर देते हैं। इस रीति से आठों कर्मों से मुक्त हो जाने के बाद में तीर्थंकर का तो क्या, किसी का भी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ये थे आदरणीय आचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। मूर्ख बनाने के लिए अनजान लोग कहते हैं कि जो तीर्थंकर बन जाता है, जो तीर्थंकर की पदवी प्राप्त कर लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये भी इनकी भूल है। ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, वो बाबा आदम हुआ। देखिएगा पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये आपको अभी दिखाई थी, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, एमए शास्त्री जम्बूद्वीप हस्तनापुर, प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन जम्बूद्वीप हस्तनापुर मेरठ से, मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर मेरठ, फोन नंबर इतना। अब इसमें दिखाते हैं ऋषभ देव जी का अगला जन्म क्या हुआ। 154 पृष्ठ पे आओ जैन धर्म को जाने, 154 पृष्ठ पे भगवान श्री आदिनाथ को ये कहे कौन कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है। प्रश्न है कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है। भगवान श्री आदिनाथ को यानी ऋषभ देव जी को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है। उत्तर बाबा आदम बाबा। यहाँ वैदिक ग्रंथों में भगवान श्री आदिनाथ को विष्णु का कौन सा अवतार माना गया है, आठवां अवतार। अब ये हमने ये याद रखना है कि इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी को बाबा आदम रूप में जन्म हुआ उनका। पुनात्मा मनुष्य जीवन मिला है और भक्ति करने की प्रेरणा आपके अंदर प्रबल है, क्योंकि आपने बहुत से स्थानों पर घूम कर देखा है, गुरु भी बना रखे हैं, लेकिन उन गुरुओं से आपको क्या लाभ हो सकेगा, ये इस सत्य सत्संग से तत्व ज्ञान से आप आसानी से समझ सकते हो। अब आपको दिखाते हैं बाबा आदम अर्थात ऋषभ देव जी कहाँ गए। वे पितृलोक में गए। एक कॉमन स्थान है जहाँ पर एक साइड में स्वर्ग है, एक साइड में बहुत लंबा चौड़ा पितृलोक है। जो पितृ योनि को प्राप्त कर जाते हैं वो प्राणी उस पितृलोक में चले जाते हैं। आपको दिखाते हैं जीवनी हजरत मोहम्मद। ये देखिए, पहले आपको मौखिक बताते हैं थोड़ा। हजरत मोहम्मद जी को एक खच्चर जैसा जानवर आया ऊपर तक, वो उनको साथ लेकर के एक जबरील नाम का देवता उनको उस खच्चर जैसे पशु पर बैठा करके ऊपर ले गया। वहाँ स्वर्ग बताते हैं कि स्वर्ग में देखा एक व्यक्ति दाई ओर मुख करके तो हंस रहा था और बाई ओर मुख करके रो रहा था बुरी तरह। हजरत मोहम्मद जी ने पूछा उस जबराइल नामक देवता से, फरिश्ते से, कि ये व्यक्ति कौन है, ये क्यों हंस रहा है और क्यों रो रहा है। उस जबराइल ने बताया कि ये बाबा आदम है, दाई और स्वर्ग में इसकी नेक संतान है, अच्छी संतान सुखी है, और बाई और नरक है, उस नरक में इसकी निकम्मी संतान वहाँ महाकष्ट उठा रही है।
दाई ओर जब देखता है अपने संतान को सुखी देखकर ये खुश होता है, और इधर बाई तरफ नरक में अपनी नकमी संतान को कष्ट उठाते हुए उसको उनके ऊपर यातनाएं दी जा रही हैं उनको देखकर ये रो रहा है। बता ये फायदा मिला ऋषभ देव को। अब ये लाभ हुआ ऋषभ देव की साधना से, ये पितृलोक में गया, बाबा आदम का जन्म हुआ, स्वर्ग लोक इसको कहते हैं। अब वहां स्वर्ग में भी चैन कोई ना ऋषभ देव को, बाबा आदम को वहां भी कभी हंस रहा है कभी रो रहा है। तो यहां में और वहां में के अंतर हो गया। इन साधनाओं का ये बेनिफिट है, और जो ये दास बताएगा परमात्मा ने आकर बताई है उससे क्या लाभ होगा वो भी बताएंगे। अब देखिएगा जीवन चरित्र हजरत मोहम्मद मुसलमान धर्म के प्रवर्तक का। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्ला सुभानी इसके राइट हैं। हजरत मोहम्मद की जीवनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं की उपमा ही है। मोहम्मद इनायतुल्ला सुभानी अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही, इन्होंने तो ये अरबी भाषा में लिखा था, अनुवादक ये है हिंदी में। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81, सर्वाधिकार सुरक्षित है। यह है नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसका अनुवाद है। प्रकाशक मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स D307 दावत नगर अबुल फजल इनक्लेव जामिया नगर नई दिल्ली से, ये इनके दूरभाष और फैक्स नंबर है। मुद्रक है HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली। अब इसके 161 से प्रारंभ करते हैं। पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद बता रहे हैं कि आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मरकादस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई, उनमें अब्राहिम यानी ये सारे वही हैं जो हजरत ये मुसलमान धर्म के जितने भी हैं और ईसाई धर्म के उस पितृलोक में हैं, उनमें इब्राहिम अलैहि सलाम भी थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे, मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। हजरत मोहम्मद जी बता रहे हैं कि उस पितृलोक में ये मूसा जी ईसा जी जिसे ईसाई धर्म चला वहीं थे और मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब 164 पृष्ठ पाते हैं। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद बता रहा है अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। अपने साथियों बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी मुसलमान धर्म के प्रवर्तक, बैतुल मरकादस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया, वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया बताया कि इस तरह हजरत जबरील अलही मुझे पहले आकाश पर ले गए, वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलही मिले। उनका हाल यह था कि जब दाई ओर देखते तो खिल उठते यानी हंसते थे और हंसने लगते, और बाई ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाई ओर उनकी नेक औलाद संतान के कर्म थे और बाई ओर बद के। हजरत आदम अलही ने आप सल्लह यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी हे नेक बेटे। हजरत मोहम्मद को वो बाबा आदम बोल रहा है, तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी हे नेक बेटे। आप सल्लल ने पूछा, हजरत मोहम्मद ने पूछा जबरील या जबराइल नाम का देवता से पूछा, यह कौन है? उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने जवाब दिया, यह आदम अलही हैं, बाबा आदम हैं सारे इंसानों के बाप। फिर जबरिल
अलही आप सलाह को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर इसी तरह आगे बढ़ते गए। आप जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते हैं, अपने आत्माओं सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा ने छुट्टी दिलवाई काल के कोल्लू तय और यहाँ आपको बैठाया और आपके ऊपर ये अमृत की वर्षा की। अब किसी भी क्षेत्र में हम कदम रखते हैं तो उसके लिए हमें समय भी चाहिए। एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, बीए करने के लिए उसने 14 वर्ष फ्री चाहिए तब वो 14 पढ़ सकता है और तब उसको क्या प्राप्त होता है, एक रोजी रोटी की व्यवस्था होते हो ना भी हो, कोई गारंटी नहीं। और ये आत्म कल्याण का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना महाउपकार का कार्य, इसमें भी समय आपको चाहिएगा। आपने ये क्लास अटेंड करनी पड़ेगी यदि आप यहाँ से छुटकारा चाहते हो, ना तिया दुर्गति त्यार है। अब आप जी ने देख लिया कि बाबा यानी श्री ऋषभ देव जी फाउंडर ऑफ द जैन रिलीजन, उस वो क्या बना, उसकी मृत्यु कैसे हुई और ऐसे अच्छे साधक की ये काल ऐसे दुरुक्ति करता है और फिर आगे चल के उसने जो नाम दिया मारीची को, उसकी क्या दुरुक्ति हुई। और महावीर जैन वही आत्मा महावीर जैन बना, उसका कोई गुरु नहीं, आगे कोई उनकी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं, पाखंड मत स्वयं किए, पाखंड साधना स्वयं की बकवादें, पाखंड माने बकवाद, और आगे भी वो बकवाद शुरू करा गया। वर्तमान के जैनी वो साधना करें, उनकी उनकी क्या हालत होगी ये अंडरस्टूड है। और बाबा आदम बने वही ऋषभ देव जी, उनकी स्वर्ग में भी क्या दुरुक्ति हो रही है, वहां भी चैन नहीं उनको। ओए होए, अब परमेश्वर ने आके बताया ब्रह्मांड 21 आग लगी है, कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड तक इस काल के लोकों में कहते आग लगी हुई है, कोई भी जीव सुखी नहीं। अब प्रसंग चल रहा था, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पंडा पंथ पकड़वो। अब तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू वो रास्ता ग्रहण कर, वो मार्ग ग्रहण कर जिससे तुझे फिर से ये दुर्गति ना हो, तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी ना हो। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उलटा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उलटा व्यवहार, सचों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार।